हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, केड़ो हाला। मैं हूं हर्षा, स्वीट वंडर्स से। आज फिर से एक नया टॉपिक लेके आई हूं आपको मोटिवेट करने के लिए, ठीक है? कंपैरिजन। मैंने एक रील देखा था जिसमें बोला गया था कि कैसे बताया था, मैं बताती हूँ, ठीक है? मैंने दो पौधे लाए, ठीक है, और वो दोनों पौधे सेम किस्म के, सेम प्रजाति के थे। उनको मैंने, और उनकी हाइट वाइट सब कुछ सेम था, ठीक है, और मैंने उनको सेम अमाउंट ऑफ पानी डाला, पेस्टिसाइड वगैरह जो बोलते हैं, खाद पानी जो भी रहता है, सब सेम किया। 15 दिन के बाद एक जो पौधा था उसमें फूल खिला और दूसरे में नहीं, ठीक है। एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने ये कहा किस रील, किसकी रील थी, बट जिसकी भी रील थी मुझे बहुत पसंद आई थी। तो एक पौधे में हमने देखा कि उसमें फूल आए हैं और दूसरे में नहीं। इसका मतलब यह है कि आप जिसमें, जिस पौधे में फूल नहीं आया, आप उसको पानी डालना छोड़ दोगे? नहीं। हर एक के बढ़ने का, आगे जाने का अपना एक टाइम, एक मोमेंटम होता है। ये मैं क्यों बोल रही हूं, बिकॉज फ्रेंकली बताती हूं कि आफ्टर कोविड होम बेकरी बिजनेस में बहुत लोग आ गए हैं, है ना? पहले जो आपके लोकैलिटी में इक्के दुक्के बेकर्स दिखते थे, आज अगर आप देखोगे हर बिल्डिंग में एक बेकर तो पक्का मिलेगा आपको, है ना? तो देखो, हर एक ने अपना एक टैलेंट ढूंढा, एक पैशन ढूंढा, एक लाइकिंग ढूंढी और उसको उन्होंने बिजनेस में टर्न करने की कोशिश की है, राइट? हर एक जन कुछ ना कुछ जद्दोजहद कर रहा है आज के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, है ना? बराबर। देखो, हम लोगों को इंसान का जन्म मिला है, बराबर। कैट्स एंड डॉग्स भी अब जन्म लेते हैं, लेकिन वी आर प्रेस्टीजियस कि हमें इंसान का जन्म मिला है, जबकि हम सोच सकते, सोच वो भी सकते हैं, बट हम बोल सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं, राइट? हम नई नई चीजें इन्वेंट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एज अ ह्यूमन बींग हम हाथ पैर तो मार ही रहे ना कुछ ना कुछ करने के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके साथ वाला बेकर आगे बढ़ चुका है, ये मैं सिर्फ बेकर के बारे में भी नहीं बोलूंगी, बट इन जनरल भी अगर कोई सेम बिजनेस में आगे बढ़ गया है तो ये उसका प्रोग्रेस टेम्पो है, उसका वक्त है। आपको ये नहीं समझना है कि मैं किसी से कम हूं। हर एक में एक टैलेंट होता है। अपने आप को पानी डालना या उस पौधे को पानी डालना बंद मत करो, डीमोटिवेट मत हो। हर एक का टाइम आता है। और हाँ, अगर प्रोलॉन्ग टाइम के लिए आपको ऐसा लग रहा है कि चीजें नहीं हो रही है, तो शायद आपको लाइन चेंज करके देखनी चाहिए, बराबर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यू आर गुड फॉर नथिंग। शायद आपका टैलेंट किसी और जगह पे उभरेगा। एक आपको ना एक किस्सा बताती हूँ, ठीक है? मैं जब दुबई गई थी तो स्टार्ट में, मतलब मेरा अकाउंटिंग बैकग्राउंड था, ठीक है, मैं सीए वगैरह पढ़ रही थी, कॉमर्स वगैरह किया था एंड ऑल दैट, और एमबीए किया हुआ था। तो मैं को लगा हो के फाइन, अकाउंटिंग बैकग्राउंड है, मैं अकाउंटिंग के इस फील्ड में ही अप्लाई करती हूँ। मैंने किया भी एंड मुझे मिला भी जॉब, विद इन 2 वीक्स मुझे जॉब मिल गया। लेकिन जब मैं वो काम करने लगी तब मुझे समझा कि अकाउंटिंग इज समथिंग दैट डजंट फैसिनेट्स मी। मेरा इंक्लिनेशन टुवर्ड्स एचआर था, ह्यूमन रिसोर्स, एडमिन, कि चीजों को किस तरह रखना है, चीजों को किस तरह मैनेज करना है, एम्प्लॉय फोर्स कैसे करना है क्या, एंड देन दैट वाज एक्चुअली पिक्ड अप बाय माय बॉस। उसको समझ गया उस टाइम पे कि आई एम नॉट मेड फॉर अकाउंट्स। अगर मेरा बॉस उस टाइम पे मुझे नहीं पकड़ता या मैं उस टाइम पे खुद ये नहीं समझ पाती कि अकाउंट्स इज समथिंग दैट मेरे को नहीं पसंद है, तो आज मैं अपने आप को फेलियर पकड़ती, राइट? बट उन्होंने मुझे एडमिन में चांस दिया एंड आई डिड वेरी वेल देयर, और आगे के भी जितने जॉब किया, एक जॉब जो हमने किया दुबई में ही, वो भी एचआर से रिलेटेड, एडमिन से रिलेटेड था, और इसके वजह से मुझे लोगों के साथ काम करना पसंद आने लगा, समझ रहे हो? फिर जब मैं वापस इंडिया भी आई
ये जॉब में भी मुझे लोगों के साथ काम करना पड़ा, राइट? तो अपना पैशन ढूंढो। अगर आपको आज लग रहा है कि भाई ये काम में मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, लीव इट, लेकिन अपने आप को वही जगह पे स्टैगनेंट मत करो और कंपेयर मत करो अपने आप को कि भाई उसका तो अच्छा चल रहा है, मेरा क्यों नहीं चल रहा है। अरे आपका कहीं और चलेगा, समझ रहे हो इस बात को? ये आज बात इसलिए मुझे निकालनी पड़ी कि कुछ इंसिडेंट्स हुआ हमारे यहाँ पे, तो आई मीन इरिस्पेक्टिव ऑफ द होम बेकिंग के हिसाब से नहीं था, कुछ और बात से, तो मैंने बोला ये तो हर फील्ड में चल रहा है। हम जबरदस्ती अपने आप को उस फील्ड में अच्छा बताने की कोशिश किए जा रहे हैं, किए जा रहे, क्यों है ना? दूसरे भी फील्ड्स, अभी एक हाउसवाइफ होती है जिसको हम हाउस मेकर बोलना चाहिए एक्चुअली, जिसके वजह से बाकी के लोग अपने काम कर पाते हैं। स्टार्टिंग में भी, पुराने जमाने में भी, जब हमारी मॉम्स वगैरह भी, फॉर्चुनेटली मेरी मॉम वर्किंग थी, शी वॉज अ लेक्चरर, बट जैसे मेरी मदर इन लॉ है, ठीक है, उनके 4 बच्चे थे। उस लेडी ने पूरे घर को संभाला ताकि घर के लोग बाहर पढ़ सके, बाहर काम कर सके। आज भी जब मैं काम बाहर करती हूँ तो आई एम सो फॉर्चुनेट कि मेरे इन लॉज मुझे बहुत हेल्प करते हैं, मेरे बच्चों को देखना, घर का एंड एवरीथिंग। तो वो होम मेकर भी एक बड़ा जॉब है, और उसके साथ साथ शायद आप लोग घर का काम भी कर रहे हो, आप उसके साथ ये होम बेकिंग या होम बिजनेस जो भी है वो कर रहे हो। यू आर डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब, जस्ट रिमेंबर दैट। हर एक इंसान को ऊपर वाले ने ब्रेन दिया है, इफ यू बिलीव इन दैट, देर इज अ सुपर पावर, आपको ब्रेन दिया गया है, हर एक के पास एक क्वालिटी है, एक टैलेंट है, बस उसको सही टारगेट मिलना चाहिए। तो वापस बोलूंगी, डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ टू एनीबडी। हाँ, पांच उंगलियां देखो ना, आपकी खुद की पांचों उंगलियां सेम नहीं है ना, तो फिर आप कैसे बोल सकते हो? अभी वो तो छोड़ ही दो, आप तो बाजू वाले का छोड़ो, आपके खुद के बच्चे देखो, 2 बेटे होंगे, एक बेटा स्टूडियोज, एक बेटा बस मस्ती में रहेगा, बराबर है ना? जब आप अपने बच्चे सेम नहीं रहते हमारे, तो आप क्यों कंपेयर कर रहे हो बिजनेस को भी? आई टोटली अंडरस्टैंड एंड अग्री कि आज का जो वर्ल्ड है कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, बच्चों को आगे पढ़ाना है, बढ़ाना है, हमें आजकल के एक्सपेंसेस के साथ आगे रहना है। अरे लेकिन उसमें कहीं ना कहीं फिर आप क्या करते हो, जिद के नाम पे, ईगो के नाम पे आगे जाते जाते हो, जाते जाते हो, और फिर लॉसेस में आते हो ना, अपने आप को एकदम डिमोटिवेट कर देते हो, या आप सोशल लाइफ से डिप्राइव हो जाते हो। क्यों? आप बोलोगे मुझे ये बोलना बहुत आसान है, नहीं, इट इज नॉट इजी, वी ऑल हैव गॉन थ्रू दिस। अगर कोई नहीं गया तो वो फेज कभी ना कभी आता है लाइफ में, तो कंपेयर मत करो अपने आप को, नया सीखो, नई दिशाएं ढूंढो, कभी ना कहीं कुछ पक्का क्लिक होगा। आपका बच्चा 10th में है, सोचता है कि मैं साइंस करूंगा, फिर जब वो साइंस करने जाता है तो उसको हार्ड लगता है, साइंस करके उसके सपने थे मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, लेकिन जब वो 11th के फर्स्ट ईयर में जाता है तो उसको साइंस हार्ड लगता है, फिर वो थोड़ा सोचता है यार सोसाइटी में तो बोल दिया कि मैंने, रिश्तेदारों में बोल दिया साइंस ले रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, होता है ना। लेकिन फिर आपका बच्चा आपके पास आता है, बोलता है यार मामा नहीं हो रहा है मुझसे, छोड़ो ना, आपका बच्चा है, क्यों उसको सोसाइटी के नाम पे, रिश्तेदारी के नाम पे, जो नहीं करना चाहता है वो करने दे। हर एक बच्चे का भी कैलिबर होता है ना। मैं आई नो मैं थोड़ी शिफ्ट हो गई हूँ, बट ये मैं वही कंपैरिजन पॉइंट पे ही आ रही हूँ कि शर्मा जी का बेटा तो बहुत अच्छे मार्क्स लाता है, देखो वो क्या कर रहा है। अरे ठीक है ना, वो शर्मा जी का बेटा है, ये आपका बेटा है, आपको पता है उसको क्या करवाना है क्या नहीं करवाना, बराबर। तो मैं यही बोलूंगी, कंपैरिजन छोड़ो, अपना टैलेंट ढूंढो, अपना पैशन ढूंढो, और वो करो जिसमें मजा आता हो, ठीक है? लाइफ इज टू शॉर्ट शॉर्ट नाउ डेज, इंजॉय करो, अपने आप को ढूंढो, ठीक है? प्रॉमिस करो मुझसे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय।